गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आयल्स बाय कुलवंत। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस स्पेशल वीडियो फॉर वोकैबुलरी। सो देर आर मैनी थिंग्स विच आर इन द माइंड्स ऑफ द आयल्स एस्पायरेंट्स दैट हाउ इम्पॉर्टेंट द वोकैबुलरी इज। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वोकैबुलरी इन एनी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नो विदाउट वोकैबुलरी वी कैन नॉट एक्सप्रेस our emotions, our feelings and things like that. So vocabulary is important, but more than vocabulary or more than high level words or things like that, accurate vocabulary is important. For example, if we have a conversation on a regular basis with anybody in our native language, we will use very simple words. For example, in Punjabi, if my mother tongue is Punjabi, so मैं पंजाबी दे विच यूज़ करूँगा कुछ वर्ड्स जिवें मैं वैसे बच्चा नू नॉर्मली दसदा हुन्ना कि आपां ए वर्ड यूज़ करांगे कि ओ मेरा बहुत वधिया दोस्त है, ठीक है, ओ मेरा बहुत वधिया दोस्त है, ओ हर चंगे माड़े समय दे विच मेरा साथ दिंदा है। सो मैं नेटिव स्पीकर हाँ पंजाबी लैंग्वेज का, तो मैं इन्नी ईजी लैंग्वेज जिहड़ी पंजाबी दे विच यूज़ करदा। बट जे कोई पंजाबी सिख रहा हो तो वह जो पंजाबी लैंग्वेज गल करता है तो वह अगों ये कहता है कि मेरा मित्र जो है वह एक बहुत प्रभावशाली प्रतिभा का प्रतिबिंब बना है। सो कि डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है ये वर्ड बोलना। सो नैचुरली आपां आपदी डेली लैंग्वेज दे विच कदे भी इहोजे वर्ड यूज़ नहीं करते, बट जो आप इंग्लिश लैंग्वेज में सीखते हैं उदो आप हाई लैवल बैंड नाइन वोकैबुलरी की गल करते हैं। वोकैबुलरी आप कितने यूज़ करनी होंगी है, वोकैबुलरी आप यूज़ करनी होंगी है अपने आयल्स राइटिंग टास्क के विच, अपनी स्पीकिंग के विच इतने यूज़ करते हैं ना। सो हुण तुसी ये देखो कि जदों आपां कोई भी राइटिंग का टास्क लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपां हैल्थ ते आ जांदा राइटिंग का टास्क। हुण हैल्थ दे लई वोकैबुलरी की है, हैल्थ दे लई वोकैबुलरी हैगी है फिटनेस, एक्सरसाइज, हॉस्पिटल्स, ओबेसिटी, एंगजाइटी, डिप्रैशन, मैंटल हैल्थ, फिजिकल हैल्थ, ठीक है। सो थिंग्स लाइक दैट, ये जिहड़ियां हैगियां इहनू कहिंदे टॉपिक स्पैसीफिक वोकैबुलरी। हुण टॉपिक स्पैसीफिक वोकैबुलरी की हुंदी है, जिस टॉपिक ते तुहानू एसे आया है, जिस टॉपिक ते तुहानू स्पीकिंग दा टॉपिक आया है, तुसीं उस टॉपिक दे नाल मिलदी जुलदी वोकैबुलरी जिहड़ी उहदे लई रेलेवेंट है उह लिखो, ठीक है। हुण जिवें तुसीं टास्क 2 दे विच वर्ड लिखना पीपल, पीपल नूं तुसीं मासिज लिखते हो, मॉर्टल्स लिखते हो, ह्यूमन बीइंग्स लिखते हो, मतलब काफ़ी फोक्स लिखते हो, थिंग्स लाइक दैट। बट तुसीं पीपल नूं सिर्फ इंडिविजुअल्स लिखो, इंडिविजुअल्स लिख के फिर दोबारा पीपल लिख दो। एक बारी नाउन लिखना पीपल, दूसरी बारी द पीपल, फिर इंडिविजुअल्स, द इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो इन्हां चीज़ां ते फोकस ना करो। सिनोनिम तुहानूं इक आउंदा ना किसी भी चीज़ का, दैट्स मोर दैन इनफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्थे, कोई इशू नहीं आने लगा। तुसी देखो, तुसी जे फोक्स लिखोगे फोक्स इनफॉर्मल आ, ठीक है, फोक्स लिखोगे वह भी नहीं सही रहना, मॉर्टल्स इनअप्रोप्रिएट आ, ठीक है, मासेज ये वो ये सारिया चीज़ा की कोई एप्रोप्रिएसी है नहीं, ठीक है, एप्रोप्रिएटनेस नहीं हैगी, सॉरी। सो हुण तुसी ये चीज़ देखो कि जो भी कोई स्टूडेंट आयल्स की प्रैपरेशन करता है उहदे च सब तो वड्डी जिहड़ी उहदी टेंशन हुंदी है ना वो ये हुंदी है कि यार मैं ना वोकैबुलरी नहीं मेरी स्ट्रोंग हैगी। तुसी ये मन्नोगे कि कुछ स्टूडेंट्स जिहड़े मेरे कोले आउंदे आ वह इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं जिहड़े मैं कदे सुने ही नहीं हुंदे। कुछ वर्ड्स हैगे आ मैनू याद नहीं, मैं दस नहीं सकता, बट कुछ वर्ड्स एवें दे हैगे आ मैनू उन्हां दा मीनिंग नहीं पता हुंदा कि उन्हां वर्ड्स का एक्चुअल दे विच मीनिंग की है। बट जिहड़ा मेरा स्कोर आ ओवरऑल 8.5 है। सो इहदा मतलब ये नहीं गा भी मेरी इंग्लिश लैंगुएज की अबिलिटी स्ट्रोंग नहीं हैगी जे मैनू वर्ड्स नहीं पता। ये चीज़ बिल्कुल आपके मन चो कट दो। एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ जी तुम मैं दसनी चाहना है वह यह है कि जदों भी तुसीं कोई टॉपिक आता थोड़ा राइटिंग टास्क 2 का, टास्क 2 के टॉपिक दे विच तुसीं की करना है, एजुकेशन दे टॉपिक है तो कोशिश करो उहदे विच तुसीं कुछ वर्ड्स इनकलूड कर सकते हो, जिवें स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, टर्शरी एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, उस तो बाद तुसीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशनस, सो एवें दे वर्ड्स है जिहड़े उह तुसीं आपदे टास्क दे विच यूज़ कर सकते होवो। सो ये होगी टॉपिक स्पैसीफिक वोकैबुलरी, ठीक है। उस तो बाद जिवें कोई हाउसिंग ते आ जांदा तां उहदे च वर्ड तुसीं यूज़ करदे हो, कर सकते हो ओनिंग अ होम,
ठीक है, रेंटिंग अ होम और अकोमोडेशन और होम रेंट, सो इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां उह उहदे विच आ गईयां। ठीक है, मोबाइल फोन दा जिहड़ा टॉपिक आ, टेक्नोलॉजी दा आ गया, टेक्नोलॉजिकल इनवेंशनस, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स, मॉडर्न टेक्निकल डिस्कवरीज। ठीक है, उहदे च तुसीं स्मार्टफोन्स, उहदे च लैपटॉप, सो थिंग्स लाइक दैट। कहिण दा मतलब हुण तुसीं समझ गए होवोगे कि जिवें हैल्थ वाले टॉपिक दे लई तुसीं हैल्थ दी वोकैबलरी, हैल्थ नाल रिलेटेड जिहड़ी टॉपिक स्पैसिफिक वोकैबलरी यूज़ करनी है। ठीक है, जिहड़ा हाउसिंग वाला उहदे च हाउस नाल रिलेटेड वर्ड्स, एजुकेशन वाला उहदे च स्कूल कॉलेज नाल रिलेटेड वर्ड्स, इहनूं कहिंदे आ टॉपिक स्पैसिफिक वोकैबलरी। जदों तुसीं, एक होर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिहड़े वर्ड्स दी तुहानूं नॉलेज है ना, जिहड़े वर्ड्स दे बारे तुहानूं जानकारी हैगी है, जिहड़े नैचुरली तुहाडे मन च आउंदे आ, सिर्फ उहनां वर्ड्स नूं यूज़ करो। कुछ बच्चे पुछदे आ, सर मैं किन्ने किवें किवें दी वोकैबलरी यूज़ करां, जिहड़े वी वर्ड दे लई तुहानूं गूगल नहीं करना पै रहा, जिहड़े सिनोनिम लई तुहानूं गूगल ते नहीं जाना पै रहा, बस दैट्स इट। जिवें, ठीक है ना, जिवें मान लो चिल्ड्रन वर्ड आ, हुण चिल्ड्रन वर्ड बड़ा ही कॉमन आ जिहड़ा यूज़ होण वाला, तुसीं चिल्ड्रन नूं चिल्ड्रन लिख दोगे ना, कोई इशू नहीं हैगा उहदे च, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी उहदे च। किड्स लिखोगे, किड्स इनफॉर्मल है, लिटल वनस लिखोगे, लिटल वनस इनफॉर्मल है। ठीक है, सो ये चीज़ां बिल्कुल भी नहीं करनियां। लैक्सिकल रिसोर्स दा स्कोर घटदा उदों है जदों तुसीं गलत वोकैबलरी यूज़ करदे हो, हाई लैवल सो कॉल्ड बैंड नाइन वोकैबलरी यूज़ करदे हो, स्कोर थोड़ा उदों डीक्रीज़ हुंदा लैक्सिकल रिसोर्स दे विच, क्योंकि लैक्सिकल रिसोर्स दे विच ना दो चीज़ां आउंदियां, वोकैबलरी रेंज ते वोकैबलरी प्रिसीजन। वोकैबलरी रेंज दा मतलब की है, भी कोई इंडिविजुअल्स नूं पीपल लिख सकदा, दैट इज़ रेंज, इनफ रेंज हैगी है ना। प्रिसीजन की है, भी सही लिखदा पिया, इंडिविजुअल्स नूं जे फोक्स लिखता इहदा मतलब उह गलत हो गया ना, इनफॉर्मल हो गया, सो उत्थे तुहाडे स्कोर आ जिहड़े उह गलत काउंट होणगे। सो लैक्सिकल रिसोर्स एक मार्किंग क्राइटेरिया हैगा जिहड़ा अपना, थर्ड मार्किंग क्राइटेरिया। पहला हैगा टास्क रिस्पोंस, फिर हैगा कोहेरेंस एंड कोहीजन, फिर हैगा लैक्सिकल रिसोर्स, ते फिर हैगा ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। लैक्सिकल रिसोर्स दे विच एग्जामिनर ने थोड़े स्पैलिंग देखने है, स्पैलिंग थोड़े करैक्ट होने चाहिए, ये देखना, थोड़ी टोन देखनी है, थोड़ी टोन इनफॉर्मल तो नहीं गी कितने। ठीक है, तुसी कोई वर्ड्स जिहड़े हैगे इनफॉर्मल वर्ड्स तो नहीं यूज़ कर रहे, जिवें मैं तुहानूं दस के हटिया चिल्ड्रन दे लई तुसी किड्स तो नहीं यूज़ कर रहे। ठीक है, स्पैलिंग हो गए, टोन होगी, एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी ते रेंज, ये चार चीज़ां जिहड़ियां हैगियां लैक्सिकल रिसोर्स दे विच, जे तुसी ध्यान रख लोगे फिर थोड़ा मतलब प्रॉपर तरीके ना हर एक जिहड़ा लैक्सिकल रिसोर्स दे लई जिहड़ा सब क्राइटीरियाज हैगे आ उह थोड़े सैट हो जाणगे, तो तुसी वधिया तरीके नाल उहदा स्कोर लै सकदे हो। ठीक है, सो ये लैसन थोड़ा बेसिकली वोकैबलरी वास्ते ही सीगा। इहदे लई तुसी कर किवें सकदे हो, तुसी ना टॉपिक्स पढ़ो इंटरनेट ते, एजुकेशन बारे कुछ भी खोल लो, उहदे च पॉइंट्स नोट करने स्टार्ट कर दो, भी एजुकेशन दे विच असीं आ वर्ड्स पा सकदे हां। ठीक है, सोसाइटी, हाउसिंग, ठीक है, उस तो बाद एजुकेशन आ गया, ठीक है, उस तो बाद हैल्थ आ गई, ठीक है, उस तो बाद आ गया साइंस, टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक्स आ जिहड़े, इन्हां बारे सर्च करो। ठीक है, जिवें साइंस दा टॉपिक है, साइंस दे विच साइंटिफिक इनवेंशनस, साइंटिफिक डिस्कवरीज, ठीक है, उस तो बाद साइंस लैब्स हो गया, रिसर्च मैथडोलॉजीज हो गया, ये वर्ड्स हैगे जिहड़े, ये टॉपिक स्पैसिफिक वर्ड्स आ। ठीक है, ये तुसीं यूज़ कर सकते हो। सो बड़ा ही ध्यान रख्या करो, जदों भी तुसीं आपदे वर्ड्स की चॉइस कर रहे हो स्पीकिंग दे विच ते राइटिंग दे विच, बड़ी ध्यान नाल इन्हां चीज़ां नूं चूज़ करना। हुण स्पीकिंग च तुसीं फोक्स बोल सकते हो, क्योंकि इनफॉर्मल है, स्पीकिंग दा टेस्ट इज़ इनफॉर्मल टेस्ट, राइटिंग दा टेस्ट आ फॉर्मल। टास्क टू, तुसीं स्पीकिंग दे विच आई थिंक नूं आई रैकन बोल सकते हो, बट राइटिंग दे विच आई थिंक नूं आई रैकन नहीं लिख सकते। ठीक है, तुसीं फोक्स कह सकते हो, जिवें तुहानूं मैं हुणे दस के हटिया, तुसीं किड्स वर्ड यूज़ कर सकते हो चिल्ड्रन की जगह ते स्पीकिंग दे विच, बट राइटिंग दे विच नहीं यूज़ कर सकते। सो इन्हां चीज़ां दा जे तुसीं खास ध्यान रखोगे तो तुसीं लैक्सिकल रिसोर्स जिहड़ा मार्किंग क्राइटेरिया हैगा उहदे च आपदा स्कोर इनक्रीज़ कर सकते हो। ते होर अपडेट्स दे लई जिहड़ा मेरा चैनल हैगा उहनूं सबसक्राइब कर लो, लाइक कर दिया करो, अगे शेयर कर दिया करो, ताकि जिहड़ा आपां एक नवा इनिशिएटिव लिया है तुहाडे तक जिहड़ी करैक्ट इनफॉर्मेशन ऑथेंटिक नॉलेज है जिहड़ी उह प्रोवाइड करन दा ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੋਂਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗ੍ਰਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਐਂਡ ਐਕੂਰੇਸੀ ਅਤੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੁਹੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।